si de senduro mara nae nae kaja ro si de senduro mara nae nae kaja muke muka vela pan hari bola muke muka vela pan baje baja mara baje mari baje baja mara baje mari ni baje kanchana tar hari bolo baje kanchana tar ni baj baj re joda dan kulo baj baj re joda dan ku ni nangara guma gum hari bolo nangara guma gum नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूँ श्याम सुंदर। मैं भी भारत की टीम आजकल छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर ब्लॉक में है और यहाँ पर हम मिलेंगे हलबा आदिवासियों से। आज के एपिसोड में बात करेंगे इनके धार्मिक सामाजिक विश्वासों की, इनकी जीवन शैली की, और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के बदलाव इनकी जीवन शैली में, इनके धार्मिक सामाजिक व्यवस्था में आ रहे हैं। साथ ही साथ इनकी जीविका के सवालों पर भी एक नज़र डालेंगे। धनेली कन्हार गांव दक्षिण बस्तर में हलबा आदिवासियों का एक छोटा सा गांव है। गांव में ज्यादातर घर पक्के हैं, लेकिन छत खपरेल की ही बनी है। गांव में कोई कोई घर दो मंजिला भी नजर आता है, लेकिन सभी घर परंपरागत डिजाइन के ही बने हैं। गांव के लगभग सभी रास्ते पक्के हैं। ये आदिवासी अपने घरों के लिए ईंट और खपरा खुद ही बना लेते हैं। आमतौर पर मकान भी परिवार के लोग ही मिलकर बनाते हैं। धनेली कन्हार गांव के बुधियार सिंह हलबा आदिवासियों के संगठन के वरिष्ठ नेता हैं। हलबा आदिवासी समाज जो है एक है, गोत्र जो है अलग है, और इसमें पूरे अखिल भारतीय हलबा समाज में पांच महासभा होते हैं। पांच महासभा में एमपी होते हैं, बालाघाट है, छत्तीसगढ़ है, सिहावा है, बड़े डोंगर है। और गोत्र जो है सभी का अलग अलग है। कोई भोर लिखते हैं, कोई रावटे लिखते हैं, कोई पिद्दा लिखते हैं, कोई नाग लिखते हैं, कोई मेरिया लिखते हैं। वो बहुत सारे गोत्र हैं, सभी के गोत्र अलग अलग हैं। हलबा आदिवासियों की आबादी छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और गुजरात के कुछ हिस्सों में बसी है। इन आदिवासियों की कुल आबादी 7.5 लाख बताई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में इन आदिवासियों की आबादी सबसे ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में कुल हलबा आदिवासी जनसंख्या 4,34,000 है। उसके बाद महाराष्ट्र में 2,84,000, ओडिशा में 19,000, मध्य प्रदेश में 17,000 और गुजरात में करीब 1,500 हलबा आदिवासी हैं। हलबा में है एक को 18 गढ़ बोलते हैं, सिहावा महासभा वाले को, और बड़े डोंगर वालों को 32 गढ़ महासभा, और हम जो हैं 36 गढ़ महासभा, और एमपी है एक तो 36 गढ़ महासभा से लगा हुआ है, महाराष्ट्र भी यहाँ से लगा हुआ है, लेकिन क्षेत्र होने के कारण 5 महासभा है।
हलबा आदिवासियों की बोली हलबी है, लेकिन कांकेर के आसपास के हलबा आदिवासी गांवों में हमें हलबी बोलने वाले एक दो लोग ही मिल पाए। यहां पर छत्तीसगढ़ी या हिंदी ही बोली जाती है। कुंवर सिंह पुजारी हलबा समाज और संस्कृति के जानकार है। अधिकतर तो अब सब छत्तीसगढ़ी और हिंदी का ही अधिक इस्तेमाल करते हैं, और हलबी में ही हलबा समाज के लोगों का जो बोली है उस हिसाब से हलबी में भी बात करते रहते हैं। ये केस काल से आगे आप जैसे हलबी हलबा ही लोग नहीं, प्राय सभी जाति समाज के लोग हलबी बोलते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जाते रहता हूँ दक्षिण बस्तर तरफ। इधर भी आप पखांजूर जाइएगा, आप दुर्गु कोंदल से इस पार जाइए, ये भी हलबी बोलते रहते हैं। अब इधर आप सर ये विश्रामपुरी है इधर, और बाकी ये सिहावा नगरी वगैरह है, इधर नहीं बोल पाएंगे। हलबा आदिवासियों के कई गोत्र तो हैं ही, इसके अलावा ये आदिवासी कई तरह के उपनाम भी इस्तेमाल करते हैं। हम सब एक हैं, लेकिन सरनेम से अलग अलग सरनेम हमारा गोत्र जो है। जैसे अपन यहाँ पर हमारे हलबा समाज में बहुत सारा है सर, 120 करीब गोत्र होगा, सरनेम होगा। जैसे अपन पुजारी है, राणा है, समरथ है, देहारी है, बारला है, पिद्दा है, चुरेंद है, रावटे है, नायक भी है, बेलसरिया है। अब ये आदि बहुत सारा ऐसा सरनेम से जाना जाता है हलबा समाज को। एक पुजारी पुजारी हैं तो एक भाई बन का रिश्ता होता है, समधेना रिश्ता नहीं आता इसमें, तो शादी नहीं रचाते सर। एक भाई भाई बहन की रिश्ता, एक ही गोत्र के, एक ही जो सरनेम है एक ही गोत्र के हैं, वो रिश्ता शादी पर ब्याह नहीं बनाते सर। हलबा आदिवासियों की धार्मिक अवधारणाएं बस्तर के दूसरे आदिवासियों से मिलती जुलती हैं। मुख्यतः ये आदिवासी भी प्रकृति की ही पूजा करते हैं। इन आदिवासियों की धार्मिक अवधारणा में कई तरह के देवों और पुरखों की पूजा होती है। देवी देवता गांव का जो है, शीतला वगैरह है, जो भी माँ देवी है, सार्वजनिक देवी है, उसमें सर केवल पर में ही पूजा रचना करते हैं, है ना। और जो अपना प्राइवेट देवी देवता है, जातिगत जो रखे हैं, या तो प्राइवेट अपन खुद रखे हैं बूढ़ी माता के रूप में, या पुरखा पाठ जैसे उनका दादा परदादा जो है वो मानते आ रहे हैं, या वो लोग भी उनके बच्चे लोग भी मान रहे हैं, मानते हैं, उस हिसाब से अब रोजाना पूजा रचना करते हैं अपन लोग। हमारा प्राइवेट जैसे होता है साहब, बूढ़ी माता है या पुरखा पाठ देवी देवता है, वहाँ पर ऐसे कोई पर्व आता है जिसमें पुरखा ने चलाते आए इस पर्व में ये चीज़ देना है, या मुर्गा देना है या बकरा देना है, तो इसका भी पर्व में, और कभी कभार जब होता है पर्व आता है तो इसका भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हलबा आदिवासियों का बड़ा हिस्सा हिंदू देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी करता है। कई हलबा गांवों में इन देवी देवताओं के मंदिर बन रहे हैं। इसी तरह धनेली कन्हार गांव में भी शीतला माता का मंदिर बनाया गया है। और अब पूजा करने का दिन और तरीका भी तय हो रहा है। शीतला माता को मानने वाले हलबा आदिवासी लकड़ी का एक झूला या हिंडोला बनाते हैं, और इसी को शीतला माता मानकर इसकी पूजा करते हैं। इस पूजा में मिट्टी के बने खिलौने चढ़ाए जाते हैं। लेकिन अब इस मंदिर में बाकायदा देवी की मूर्ति स्थापित कर दी गई है। ये जो है इस गांव का सभी परिवार को सुख देता है। इसका दिन हम लोग रखे हैं, सोमवार दिन पूजा करते हैं, बृहस्पति दिन इस दिन दीपक जलाते हैं शाम सवेरे, और इनका पूजा होता है।
और जैसे त्यौहार आता है, त्यौहार मन में होता है। कौन सा त्यौहार होता है? त्यौहार जैसे हमारा भी हरेली आएगा प्रथम त्यौहार, उसके बाद पोरा, दीपावली, होली त्यौहार। तो हलवा में और कौन कौन से देव हैं? ये पूरा ही देव आते हैं। कौन कौन से, थोड़ा नाम बताइए। जैसे कि हिंगला जिन है, तुम्हारा माड़िया है, ऐसे है ना, बहुत देव का नाम आता है। हाँ। तो उनके अलग अलग तरह से पूजा, अलग अलग तरीके से पूजा होता है उनका। अच्छा, शीतला माता की आपने बीच में ये जो बना रखा है, ये शुरू से इसी तरह से शुरू से है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमें। ये शुरू से कई पीढ़ी तक ये ऐसे ही बन के आया है। अब इसके बारे में तो हमको इतना जानकारी नहीं है, बाकी जो परंपरा से चलते आ रहे हैं तो चल ही रहे हैं। जैसे यहाँ चेचक माता वगैरह आता है ना, वो लोग का यहाँ सेवा होता है। ये जो बनाया है आपने, ये एक तरह का झूला बनाया? झूला है वो। हाँ, माता का झूला है वो जी। और आदिवासी जो हैं वो हमेशा प्रकृति की पूजा करते रहे हैं, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। आपके शादी ब्याह में भी जो पेड़ का तना होता है उससे मंडुआ बनाया जाता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपने मूर्ति लगाई है, तो ये मूर्ति लगाना कब से शुरू किया आपने, कैसे शुरू किया? ये मूर्ति तो बाद में लगा है, ये परंपरा से यहाँ नहीं है, मूर्ति तो मानते ही नहीं हम लोग, पर ये बाद में लगा है। तो जब आप मानते नहीं हैं तो किस लिए लगाया गया है? अब ऐसे है ना, यहाँ अनेक जात के हैं। हाँ। सभी जात का सलाह हुआ। हाँ। इसी कारण, नहीं तो आदिवासी में नहीं है मूर्ति वगैरह। हाँ, वो लोग कैसे मानते हैं, जैसे पत्थर को मानते हैं, लकड़ी को मानते हैं, मूर्ति नहीं है। बाकी यहाँ अनेक जात होने के कारण वो चीज़ लगा हुआ है, इसीलिए लकड़ी का आपने बनाया हुआ है। हाँ। तो जो आदिवासी आते हैं यहाँ पर मंदिर में, वो इस वाली जो झूला है जो लकड़ी का बना हुआ है, इसकी पूजा करते हैं या इसकी पूजा करते हैं? प्रथम यही होगा। हाँ। अब साथ में है तो बगल में उसको कर देते हैं बाद में। हाँ। प्रथम पूजा तो इन्हीं का होगा। हाँ। क्योंकि ये प्रथम से बना हुआ है जी। अब वो बाद का है। हाँ। तो बाद का तो बाद में होगा जी। ठीक है, बाद में होगा। और ये जो मिट्टी के इधर बनाए हुए हैं, घोड़े हैं, बैल हैं, जैसे पोरा तिहार मानते हैं हमारे यहाँ, उस दिन नादिया बैलर चलता है उसमें, तो उसी दिन यहाँ चढ़ाया जाता है पोला के दिन। हाँ, उस दिन बच्चे लोग भी खेलते हैं इस बैल को, और उसके साथ साथ यहाँ भी पूजा पाठ होता है, उसके बाद बच्चे लोग खेलना शुरू करते हैं। पहले यहाँ चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर बच्चे लोग गली में खेलते हैं। इसमें कौन कौन से जानवर का आप बनाते हैं? आमतौर पर बैल का ही बनाते हैं? बैल की ही बनाते हैं। बैल का ही बनाते हैं। बैल का क्यों बनाया जाता है इसके बाद? बैल के क्योंकि हमारा बैल मुख्य जानवर है, हल चलाने के लिए पूरा खेती का काम करता है, इसी कारण उन्हीं का पूजा जल्दी होता है, उसके बाद वो दूसरे जानवर का नहीं होता। हलवा आदिवासी खेती किसानी करने वाले लोगों के तौर पर जाने जाते रहे हैं। एक मान्यता यह भी है कि हल चलाने वाले लोग होने की वजह से ही इन आदिवासियों का नाम हलवा पड़ा। सो हल बैल इन आदिवासियों के लिए जीने का सहारा रहा है, और इसीलिए बैल का इस आदिवासी समाज में किसी भी कृषक समाज की तरह बड़ा महत्व है। हलवा आदिवासियों में बड़ा तबका है जो अभी भी हल बैल से ही खेती कर रहा है। लेकिन अब ये आदिवासी आधुनिक खेती की तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये आदिवासी ट्रैक्टर, नए बीज, खाद और दवा का इस्तेमाल कर रहे हैं। खेती किसानी मुश्किल होता, जिनके पास नांगर बैल है वो तो थोड़ा बहुत कर भी लेते थे, अब प्राय प्राय बहुत लोगों के पास नांगर बैल नहीं, सब ट्रैक्टर के पीछे ही चलते हैं।
और फायदा क्या है कि खेती किसानी में घाटा और फायदा को नहीं देखते हम लोग। अब भाई अभी जैसे पानी गिरा नहीं है, अब बुनाई चालू कर दिए हैं, बुनाई हुआ अब पता नहीं कब तक पानी गिरेगा, क्या होगा, अब ये जो है कोई निश्चित नहीं है। तो इसमें किसान जो है फायदा और घाटा को नहीं देखता। मगर अब जो है ये जो रासायनिक खाद वगैरह आने से इसकी पैदाइश जो है अब बढ़ गई है। हालांकि लागत लगता है, लागत ज़रूर लगता है, मगर राहत मिलती है लोगों को। नए बीज, खाद और दवा के प्रयोग से इन आदिवासियों की फसलों का उत्पादन बढ़ा है। जाहिर है इससे इन किसानों की आमदनी भी बढ़ी है और खेती में समय भी कम लगता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में अब खेती किसानी के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल नज़र आता है। यहाँ पर अब हल बैलों की जगह ट्रैक्टरों ने ले ली है। इसके अलावा किसानों को हाइब्रिड बीज भी उपलब्ध हैं। लेकिन इसका एक और पक्ष है कि यहाँ पर खेती किसानी की लागत लगातार बढ़ती गई है और ये साधन यहाँ पर अभी भी एक सीमित आबादी को ही उपलब्ध हैं। धनकुल हलबा आदिवासियों की पहचान का एक अहम हिस्सा है। धनकुल के गीत और संगीत खास होते हैं और इन्हें गाने का अवसर भी। लेकिन सबसे खास होता है धनकुल का वाद्य। इस वाद्य के बारे में कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से आदिवासी मूल का वाद्य है। दुनिया भर में कई विचित्र वाद्य यंत्र मिलते हैं। लाइट ना जाए। लेकिन धनकुल का वाद्य यंत्र अद्भुत है। यह यंत्र आदिवासी समाज से जुड़ी अहम वस्तुओं के इस्तेमाल से बनाया जाता है। इस वाद्य में घड़े, चावल, सूप और धनुष का इस्तेमाल होता है। और इस वाद्य से हलबा महिलाएं जो संगीत पैदा करती हैं, उसे परिभाषित करना मुश्किल है। इस संगीत को एक शब्द में अगर परिभाषित करना हो तो वो शब्द हो सकता है अद्भुत। सिरे सिंदूर मर नए नए काजर, सिरे सिंदूर मर नए नए काजर, मुके मुक बेल पान हरि बोल, मुके मुक बेल पान, बाजे बाजा मर बाजे मारी, बाजे बाजा मर बाजे मारी, बाजे कंचन तार हरि बोलो, बाजे कंचन तार, बाज बाज रे जोड़ा धनकुल, बाज बाज रे जोड़ा धनकुल, नंगर घुमा घूम हरि बोलो, नंगर घुमा घूम, आज रे धनु जे नाई बाजिले, आज रे धनु जे नाई बाजिले, काटे सोरा दार हरि बोल, काटे सोरा दार, कुमर गोरो मर चंपा नांदो, जे कुमर गोरो मर चंपा नांदो, ओड़ गोरो आई हरि बोल, ढाकन खुलाए, हरि हरि बोली जागे, हरि बोल राम बोली बोजे, आयत कहियो मैं गाँव घोसी, आयत कहियो मैं गाँव घोसी, सीधला देई बोले हरि बोल, कंकाली न बोले, हरि हरि बोली जागे, हरि बोलो राम बोली बोसे, आयत कहियो मैं जिमीदारी, आयत कहियो मैं माटीदारी, हरी हरी बोली जागे, हरी बोल राम बोली बोले,
तिरकोता मरई तीरो ओ जे ई तिरकोता मरई तीरो गीते परवन जाओ हरि बोल गीते परवन जाओ ऊपर पूरो मर कैला सपोती जे ऊपर पूरो मर पारवती हरि हरि बोली जागे हरि बोल राम बोली बोजे कोनी अग चोरो चुकुए बाबू जे कोनी अग चोरो पिटुए बाबू मैं ओड़िया पड़ल रनुआ बाबू मैं ओड़िया पड़ल रनुआ पेट चगिया नो आय हरि बोल पेट चगिया नो आय बोने बासे मर बोन मंजूर बोने बासे मर बोन मंजूर नंगरे कुकुड़ा बासे हरि बोलो नंगरे कुकुड़ा बासे नंगरे कुकुड़ा बासिला बेले जे नंगरे कुकुड़ा बासिला बेल तिर तिर चंदा उदे हरि बोलो पर पर मंगर पाटे जाना दे रो बेटी ए बे जे जाना दे चो बेटी ए बाली गोरा हरि बोलो बाली गोरा आया आया मैं जाना दई जे आया मैं जाना दई कोरे खेलू क जाय आया रासे खेलू क जाय हर दिन अंगर मर साकुड़ खोली जे हर दिन अंगर मर साकुड़ खोली हाथी कूद न जा दे बेटी घोड़ा कूद न जा दे कोरे नहीं जा बेटी कोरे नहीं जा कुंडी बूची तुई देश रे आया जे सुपली दौड़ी तुई देश रे आया झुमका बड़गी देश आया झुमका बड़गी दे कुंडी बूची मर धोरे ये बे जे झुमका बड़गी मर धोरे ये बे कोरे खेलू क जाय हरि बोल कोरे खेलू क जाय दुरला सकड़े मर गोड़ बांधे जे दुरला सकड़े मर गोड़ बांधे गोड़ बांधू न जाय हरि बोल गोड़ बांधू न जाय जाना मामी जो बेटी ए बे जे जाना मामी जो बेटी ए बे कोरे खेलू के हरि बोल कोरे खेलू के खीरी पोरी मर रांधे ये बे जे खीरी पोरी मैं रांधे ये कलवा मिटुआ रांधे हरि बोलो कलवा मिटुआ रांधे आया आया मैं जाना भाभी जे ये आया मगे जाना भाभी मोचो बातो सुन आया मोचो बातो मान भारत में अभी अष्टमी करवा चौथ छठ तीज एकादशी ऐसे अनेक पर्व हैं जब महिलाएं अपने परिवार अपने बच्चों अपने पति की सुख शांति उनके बेहतर भविष्य उनकी सुरक्षा के लिए उपवास रखती हैं। बस्तर की हलबा जनजाति में भी तीज के दिन उपवास रखा जाता है परिवार की सुख शांति के लिए, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये उपवास सिर्फ महिलाएँ नहीं रखती हैं बल्कि पुरुष भी उपवास में शामिल होते हैं, यानी कि पति और पत्नी दोनों मिलकर परिवार की सुरक्षा और सुख शांति के लिए उपवास रखते हैं और इसी मौके पर धनकुल गाया जाता है। हलबा आदिवासियों में धनकुल का नवविवाहितों के लिए विशेष महत्व होता है। नवविवाहिता जोड़ा मिलकर इस त्योहार को मनाता है, लेकिन हलबा गांवों में सभी महिलाएं इस अवसर पर धनकुल में शामिल होती हैं। तो हमर मन मौर पूजा होती ना तीजा पोरा अपन मनाथन सब बहू बेटी ल सकल थान आथे तीजा पोरा में आ वो अपन अचने बनाथन और फिर गाथन बजाथन रात भर जागरण रहथन सुबह पहाथे ना तन 8-9 बजे कर हमन मन चल देथन ठंडा करे ला मौर बंधा रहते लड़का लड़की के तेल ठंडा करे ले थान फूल पान ले थान सब ले थान
तरिया में और देवता धामी सब आते नहाते खोरते और अपन ठंडा करके आ जाते हैं तो बरारी फरहारी करते हैं। जेकर जेकर घर में देवता धामी रहते अब बस्ती में हम बैठे हैं शीतला है गढ़िया है शीतला गढ़िया ठाकुर दाई सब अपन जतिक देवता अपन गाँव में ढी डोंगरे पूरा आते हाँ आते 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 कोपरम बोए के नवा बहु लानते हाँ नए बहु लाते और नवा हाँ और ऐसे करथन और मरार घर ले मऊर गथा थान या भी यहाँ घेरा रहती वहाँ चढ़ू रहती वह जति में गाना चलती भगवान के ये होते तब वो चढ़ू ऐसे झूलते ऐसे चारों खुट किंजर किंजर के भगवान वहाँ बैठते देवी देवता बैठते थे ऐसे घूमते हमार पूर्वज है बाबू देवी देवता करत करत असने धनकुल गाना बजाना करत सब उतरत थे ते सियान मन चलाई ने तेल हम चला तो आप अपने पुरखों को भी याद करते हाँ पुरखा भी हम करत जिला वो तरकी तरह सुंदर लाली 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 रे जिला वो तरकी तरह सुंदर लाली 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 आगे रोली सोली पहली काटा किलो होली रे जिला वो तरकी तरह सुंदर लाली 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 रे जिला वो तरकी तरह सुंदर लाली 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 रे कौन बोले से सकर चाह कौन बोले से बीड़ी रे कौन बोले से सकर चाह कौन बोले से बीड़ी राज के दुखन कली मोताला राज के दुखन कली मोताला रोमन सिंह कली मोताला राज के दुखन जोड़ी रे। तो अब हलवा आदिवासियों से विदा लेने का समय आ गया है। जहाँ तक इनके सामाजिक और धार्मिक विश्वासों का सवाल है, ये आदिवासी उनमें अभी भी भरोसा रखते हैं और मजबूत भरोसा रखते हैं, लेकिन उनकी पूजा पद्धति पर बहुसंख्यक समाज का असर साफ साफ दिखाई देता है। जहाँ तक उनकी भाषा बोली का सवाल है, जहाँ पर इनकी जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर ये भाषा बोली बची हुई है, लेकिन जहाँ ये बहुसंख्यक समाज के बीच में रहते हैं वहाँ की नई पीढ़ी कम से कम अपनी भाषा बोली को भूल रही है। जहाँ तक इनकी जीविका का सवाल है, इनको नए बीज नई तकनीक खाद और दवाइयाँ दी जा रही हैं जिससे इनकी उत्पादकता भी बढ़ी है और आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इस बात का ख्याल रखना होगा कि कहीं बीज और दवाई कंपनियों की मुनाफाखोरी में ये आदिवासी फंस ना जाएं। फिलहाल मेरी पूरी टीम को अनुमति दें, जल्दी ही एक और एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। गयारी में जाने जड़ा तेल लपट गयारी।